प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले को तीव्रता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रतापगढ़ मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के पारसोला थाना पुलिस ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयत्न करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पारसोला थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि 12 जनवरी को थाने में पॉक्सो एक्ट के में दर्ज हुए मामले में जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर 5 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक धनफुल मीणा द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरी 5 वर्ष की बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी केला अस्पताल लक्ष्मण मीणा आया और बच्ची को कुरकुरे खिलाने का कहकर पास के एक सोने मकान में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। तभी बच्ची के साथ खेल रहे अन्य बच्चों द्वारा परिजन को बताने पर घटना की जानकारी में आया। परिजन द्वारा घटना पर जाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना पारसोला पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करा जाकर अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक धनफुल मीणा के ने किया। प्रकरण में तुरंत अनुसंधान शुरू कर घटना में फरार आरोपी की आसपास क्षेत्र में सरगर्मी से तलाश शुरू कर आरोपी केला अस्पताल लक्ष्मण मीणा को गिरफ्तार किया। आज पारसोला थाना अंतर्गत जो बोरदा गांव है वहां पर एक छोटी बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया। इस घटना पर पारसोला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ लिया। तो आज हम इस जो हम कार्रवाई देख रहे हैं उनसे मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि इसमें नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और निश्चित तौर पर राजस्थान में भाजपा की जो सरकार है और इस सरकार में जो भी अपराधी अगर गलत काम करेंगे तो उन पर त्वरित कार्रवाई होगी और कड़े से कड़ी अपराधियों के जो हौसले हैं उनको तोड़ने का काम पुलिस ने किया है यहाँ पर। और निश्चित तौर पर दुष्कर्म की घटना सुनने पर सर क्या प्रयास चल रहा है प्रशासन का? भाई कल शाम को मेरे को सूचना मिली थी करीबन 8 बजे कि नागा थाना पारसोला में एक नाबालिग बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसके संग में किसी लड़के के द्वारा खोटा काम का प्रयास किया गया है। इस पर तुरंत मैं मौके पर पहुंचा, हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची, रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट दर्ज की और मुलजिम को तलाश करके डिटेन किया गया। अब सुबह प्रकरण की जो कार्रवाई होती है तफ्तीश करके मुलजिम के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम तफ्तीश जारी है।